प्रभात खबर को बधाई है कि उसने सबसे पहले इस न्यूज को ब्रेक किया। देवघर शहर में रविवार को सुबह सुबह बड़ा हादसा हो गया। एक 3 मंजिली इमारत गिर गई, जिसमें 10 से 12 लोगों के फंसे होने की आशंका है। यह हादसा सीता होटल के पास हुआ है। इस हादसे की सूचना मिलते ही गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे घटनास्थल पर पहुंच गए। सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा कि उन्हें सुबह 6 बजे सूचना मिली कि एक इमारत गिर गई है। सूचना मिलते ही वह यहां पहुंच गए। अब मीडिया कर्मी भी आ गए, लेकिन रेस्क्यू टीम 1 घंटे के बाद पहुंची। डॉक्टर दुबे ने कहा कि 10 से 12 साल पहले देवघर में एक बड़ी घटना हुई थी। तब केंद्र सरकार ने एनडीआरएफ की एक अस्थायी टीम को देवघर में तैनात किया था। इस टीम ने ही रोपवे हादसे के समय लोगों की जान बचाई थी। निशिकांत दुबे ने कहा कि रोपवे के बारे में भी जैसे ही पता चला, मैंने गृह मंत्री, गृह सचिव को फोन किया, जिला प्रशासन को फोन किया। तब तक गृह सचिव एक्टिव हो चुके थे, लेकिन आज यहां प्रशासन सभी लोगों के बाद आया है। उन्होंने कहा कि अच्छी बात यह है कि लोगों की जान बच गई। कहा कि जितने भी लोग नीचे दबे हैं सभी सुरक्षित होंगे। एम्स को भी अलर्ट कर दिया गया है। प्रभात खबर को बधाई है कि उसने सबसे पहले इस न्यूज को ब्रेक किया, और रेस्क्यू टीम उस वक्त आई नहीं थी, जबकि आपको पता है कि आज से 10-12 साल पहले जब यहाँ घटना हुई थी, तो केंद्र सरकार ने एनडीआरएफ की जो है एक परमानेंट टीम देवघर में डाली हुई, जिसे त्रिकुट रोपवे ऑपरेशन में भी बड़ा काम किया। फाइनली मैंने होम सेक्रेटरी को फ़ोन किया, होम मिनिस्टर को फ़ोन किया, यहाँ के जिला प्रशासन को फ़ोन किया, लेकिन तब तक वहाँ होम सेक्रेटरी जो है एक्टिव हो गए थे, गृहमंत्री अमित शाह जी एक्टिव हो गए थे, और एनडीआरएफ की टीम यहाँ पहुँच गई थी। अभी आपको पता है, देखा आप, प्रशासन जो है यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है सबों के बाद आया। मैं यहाँ 1 घंटे से मौजूद हूँ, तो अभी सभी लोग आए। यहाँ सवाल केवल ये है कि लोगों का जान बचे, अभी इम्पोर्टेंट ये है कि जान बचे। बाद में तय होगा कि कौन कहाँ पहुँचा, कितना पहुँचा, लेकिन एनडीआरएफ की टीम अच्छा काम कर रही है, और मुझे लगता है कि जितने भी लोग नीचे फंसे हुए वो सभी सुरक्षित वापस आ गए। एम्स को भी अलर्ट करके रखा है आपने? एम्स को अलर्ट करके रखा है, मैंने यहाँ के जिला प्रशासन को कहा कि यहाँ जो पेशेंट है उसको पहले एम्स ही ले जाइए। एम्स के डायरेक्टर ने वहाँ 5-7 कमरे की बेड की व्यवस्था कर रखी है, लेकिन डीसी देवघर का कहना है कि मेरा प्रोटोकॉल ये कहता है कि सदर अस्पताल देवघर जाना है। मुझे पता नहीं कौन सा प्रोटोकॉल है और किसने जान बचाने के लिए प्रोटोकॉल बनाया हुआ है, लेकिन जितने लोग घायल हैं उसका सदर अस्पताल देवघर में इलाज नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि डिले ही होगा इलाज में, जो भी हो प्रोटोकॉल सदर अस्पताल ये ले जाएंगे, लेकिन इनका इलाज प्रॉपर एम्स में ही हो। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।